अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ब्लेस एवरीवन एंड ईच वन। आज मैं बनाने जा रही हूँ एग प्लांट मटन बेक। तो मैंने ये मटन लिया है 1 kg। तो इसमें मैंने दो इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब मैं इसको सिरका लगा के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, 25 या 15 मिनट के लिए। तो उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगी। ये वाला विनेगर यूज किया। अभी मैंने इसको विनेगर लगा लिया है। अभी मैं इसको 20 या 15 मिनट के लिए रख दूंगी। और विनेगर से ये होता है कि विनेगर के बाद में इसको फिर दोबारा धोती हूँ ताकि अच्छे से साफ हो जाए। और दूसरी बात ये है कि इसके गलने में भी इसकी मदद करता है। मैंने गोश्त को 15 मिनट के लिए रखा था सिरका लगा के। और अब इसको मैं अगला प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। तो ये मैंने गोश्त को इस टोकरी के अंदर डाल दिया था ताकि सारा इसका पानी जो है वो साफ़ हो जाए। अब मैं बाउल में डालती हूँ और इसे मिक्स करती हूँ। और ये मैंने श्रेड चिली ली है, फ्लेक्स चिली, और ये टर्मरिक पाउडर है हाफ टेबल स्पून, और ये सॉल्ट है। और मैं इसको इनके अंदर डाल दूंगी अभी और मिक्स करूंगी। मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अभी मैंने यहाँ 4 पीस जो हैं वो ग्रीन चिल्ली के लिए हैं, और मैंने इसको दरमियान से कट लगा लिया था। ये मटन जो है मैं फॉइल के अंदर रैप करूँगी। अभी इसको इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी। अभी मैंने इसके थोड़ा सा ऑयल डाल दिया ऑलमोस्ट 1 tablespoon, और मैं अभी इसको अच्छे तरीके से बंद कर दूंगी। देखिए इसको इस तरीके से बंद कर दूं। अभी मैं इसको ओवन में रखने जा रही हूँ, और ओवन को मैंने प्री हीट कर दिया था 15 मिनट पहले। अभी मैं इसको मैंने इसको अभी ओवन में रख दिया है। 3 बैंगन लिए हैं, तो अब मैं इस बैंगनों को 1 by 1 स्टोव पे रखूंगी और फिर इन्हें पकाऊंगी, फिर मटन और एग प्लांट को बेक करूंगी। मैंने मटन जो है वो बेक करने के लिए रखा हुआ है। अभी ये एक
पक जाएगा जब, तो फिर मैं इसको उतार के इसका छिलका जो है वो उतार दूंगी और फिर दूसरे जो है वो दो मैं पकाऊंगी। ये देखिए इसको ऐसे बिल्कुल पका लेना है, उसके बाद फिर इसको हम छील लेंगे। इसको अच्छे तरीके से इसका ऊपर वाला छिलका जो है वो पील करेंगे। ये रेडी हो गया। अब देखिए मैंने ये तीन बैंगन जो पका लिए थे और इनको पील भी किया है, पील करके मैंने इनको रख लिया है। और अब ये है मैंने ये 1.5 जो अनियन लिया है और 1.5 जो है वो टमाटर लिया है। मैं इनके लिए मसाला तैयार करती हूँ। और ये पैन है, इसके अंदर मैंने 1/2 कप जो है वो ऑयल डाला है, तो ये मैं अनियन डाल रही हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा सोते कर लूंगी। अभी मैं इनके अंदर जो है वो टमाटर डाल देती हूँ। मैंने इसके अंदर 1/2 कप ऑयल डाला था लेकिन वो मुझे थोड़ा लगा, तो फिर मैंने थोड़ा सा और डाला इसके अंदर। तो आपको भी अगर कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट पक चुका है, अभी थोड़ा सा और पकने दें, इसके बाद ही मैं इसको उतार के, तो हमने जो बेक करने के लिए गोश्त रखा हुआ था वो भी ओपन करते हैं। मेरे पास जो है वो दूसरा ओवन नहीं है और टाइमिंग वाला, और मैं वैसे टाइम जो है मोबाइल से देखकर और लगा बताती हूँ कि मैं 40 मिनट के बाद वो रेडी हो जाएगा ऑलमोस्ट। उसको रेडी होने के लिए 40 मिनट लगते हैं बेक करने के लिए। ये ऑलमोस्ट डन हो गया, तो 5 मिनट मोर। मैंने बेकिंग के लिए जो गोश्त रखा था वो मेरे पास टाइमिंग वाला ओवन नहीं है, तो वैसे जो है वो मैं टाइम दे के रखती हूँ। तो 40 मिनट में वो जो बेक वाला गोश्त है वो मटन जो है वो रेडी हो जाएगा। ऑलमोस्ट 40 मिनट। ये देखिए मैं अभी इसे निकालने लगी हूँ जो मैंने गोश्त रखा था पकने के लिए। अभी ये ऑलमोस्ट बेक हो गया। चलिए लेट्स सी, हम चेक करते हैं ये पक गया है या नहीं। ये देखिए अभी मैंने बेकिंग ट्रे लिया और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल इसको ग्रीस करूंगी ट्रे को।
मैं इसको ग्रेस कर लिया। अभी मैं इसके अंदर ये मिक्सर डाल दूँ। मैंने ये इसके अंदर डाल दिया। ये साथ में मैं जो है मैंने रिंग अनियन काटे थे और ये जो हमने बैंगन बनाए थे स्टोव पे फिर उन्हें पील किया था। अभी ये हो गया और अब मैं इस पे जो गोश्त हमने बेक किया था मटन वो हम मैश के ऊपर डाल दूंगी, पोर कर दूंगी इसके ऊपर। अभी मैं इसको थोड़ा सा और बेक करूंगी और फिर मैं इसको निकाल दूंगी। 15 मिनट मैं इसको और बेक करूंगी। मैंने इसके ऊपर ये फॉइल का पीस लिया और अब इसको कवर करके 15-20 मिनट तक मैं इसको ओवन में दोबारा पकाऊंगी। ये रेडी हो गया, मैं इसको निकालने लगे। ये देखें, अभी हम इसे चेक करते हैं। ये मैंने 15 मिनट के लिए दोबारा बेक किया था और अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये रेडी है खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी और मज़े का लग रहा है। ओके, फाइनली हमने इसको प्रिपेयर कर लिया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखना।